सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, है ना। हम वो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं जिस पर कोई सैटेलाइट आर डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रही है। टाइम पीरियड का मतलब क्या, एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम, ये हम देख चुके हैं। ओके, हमारे पास उसका फार्मूला क्या आया था, हम एक बार वो फार्मूला देख लेते हैं क्योंकि वो फार्मूला अब हमको ज़रूरत होने वाला है। वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ओके इंटू आर क्यू। ये फार्मूला हमारे पास में था। ओके, अगर कोई सैटेलाइट आर डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रही है ना, जैसे ये हमारा अर्थ है और अर्थ से सैटेलाइट आर डिस्टेंस पर ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रही है ना, ये सर्कुलर ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला है ये, है ना। आज हमको पढ़ना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ऐसा सैटेलाइट जो हमारे अर्थ के साथ साथ चलता है। अर्थ के साथ साथ चलता है मतलब अर्थ का जो टाइम पीरियड होगा वही टाइम पीरियड सैटेलाइट का होगा, है ना। मतलब कि टी इक्वल टू 24 आर होगा। 24 आर मतलब कि अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 24 × 3600 सेकंड, इतना सेकंड उसका टाइम पीरियड होगा ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के साथ साथ चलती है। ओके, जो इक्वेटर के साथ साथ मूव करती है ऐसा सैटेलाइट हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, और ऐसे सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आर होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर उसका डिस्टेंस इस फार्मूले से कैलकुलेट करें, हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, टाइम पीरियड का वैल्यू पुट कर देते हैं, 24 3600 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और π² का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप 10 लिख सकते हो। ओके, डिवाइडेड बाय इस जी एम को जी आर स्क्वायर लिख सकते हो आप, है ना। ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जी इज इक्वल टू जी कैपिटल आर एम बाय आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जी एम का वैल्यू जी इंटू आर स्क्वायर, पर ये केवल अर्थ के लिए ही, ग्रेविटी के लिए ही वैलिड है। ओके, और यहाँ पर आर क्यूब आ जाएगा। अब अगर हम आर क्यूब का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा 24 × 3600 होल स्क्वायर ओके इंटू जी का वैल्यू 10 ओके, और आर का वैल्यू कितना होगा, 6400 × 10^3 का होल स्क्वायर, है ना। अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 6400 × 10^3 मीटर आ जाएगा, है ना। आर का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया, डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू, सॉरी इसका वैल्यू यहाँ पर पुट किया, डिवाइडेड बाय 40 आएगा, यहाँ पर ही हम कैंसिल कर देंगे। जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसे अगर हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो आर का वैल्यू हमको कितना मिलता है, हमको मिलता है 4200 किलोमीटर। ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। ओके, और ये जो आर है, ये आर है कैपिटल आर प्लस एच, कैपिटल आर मतलब अर्थ का रेडियस और उससे एच हाइट ऊपर, कैपिटल आर और एच। ओके, क्योंकि अर्थ जो है उसका रेडियस आर है और उसकी सरफेस से एच हाइट पर हम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इतना होगा। मतलब कैपिटल आर प्लस एच इज इक्वल टू 4200 किलोमीटर होगा, और आर का वैल्यू हमको पता है 6400 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 3580 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सेकंड वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस अराउंड 3580 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होता है कि वो लिखा है कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्व करती है एक पीरियड के लिए। ओके, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो अर्थ के इक्विटोरियल प्लेन के कॉन्सेंट्रिक और कोप्लेनर होती है। ओके, वो भी हम देख चुके हैं।
अर्थ के सरफेस पर रेस्ट, सरफेस से रेस्ट में दिखती है क्योंकि उसका रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होता है, जीरो है, अर्थ के साथ साथ चलती है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम जियो सैटेलाइट पर बैठ कर देखें अर्थ को तो अर्थ हमारे नीचे हमको दिखती है स्टेशनरी। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान से समझ लेना है, ध्यान से नोट कर लेना है, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है कि उसका जो डिस्टेंस होता है वो 35,800 किलोमीटर होता है अर्थ सरफेस से। थैंक यू वेरी मच।